Hello and welcome, my dear friends. Today our topic is about important tourist destinations of J&K. And इस set में हमने वो सारे questions include किए हैं जो JKSSB ने previous year exams में पूछे हैं. Then हमने उनको base बना के self construct किए हैं कुछ questions. That's why ये वाला set आपके लिए बहुत ही ज़्यादा helpful रहेगा. And also in between lecture हमने कुछ terms को अच्छे से elaborate किया है. That's why आप इसको end तक watch करना. चलो अब हम आज का session start करते हैं. Question first. Which among the following was a residential palace of Raja Amar Singh and also the last official residence of Dogra rulers, planned by French architect and now has been converted into museum? So, its right answer is Amar Mahal Palace. Basically, this question last JKSSB exam mein aaya hua tha. Now, ab aapko main yahan pe ek slide description dunga taki kisi ko agar confusion hoga wo dur ho jaye. Dekho, Jammu mein pehle Dogra rule ke time pe teen palaces bane the. एक था हरि नवास पैलेस, एक था अमर महल पैलेस, एक था मुबारक मंडी पैलेस. नौ सबसे पहले बना था मुबारक मंडी पैलेस, इसलिए ये फर्स्ट ऑफिशियल एंड रॉयल रेजिडेंस था डोगरा रूलर्स का. फिर इसके बाद बना अमर महल पैलेस जो महाराजा अमर सिंह जी ने बनाया था एंड वो यहाँ पे रिसाइड करता था. फिर उसके बाद जब महाराजा हरि सिंह जी का टाइम आया तो उन्होंने बनाया हरि निवास पैलेस. वो जो हरि निवास पैलेस था ये उन्होंने बनाया अमर सिंह पैलेस के प्रमाइसिस के ही अराउंड. एंड देन 1925 में क्या हुआ, 1925 में महाराजा हरि सिंह जी ने मुबारक मंडी पैलेस से शिफ्ट किया कहाँ पे, हरि निवास पैलेस में. एंड यहाँ पे उन्होंने अमर महल पैलेस को डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियल रेजिडेंस, इसलिए इसको माना जाता है लास्ट ऑफिशियल रेजिडेंस फॉर डोगरा रूलर्स. एंड जो हरि निवास पैलेस था ये उसने रखा एंटरटेन पर्पज़ के लिए, यानी जब भी उसके गेस्ट आते थे तो उनके साथ खाना खाना, बैठना, बातें करना, वो सब कुछ कहाँ पे होता था, हरि निवास पैलेस में ही. नाउ अगर करंट सिनेरियो देखेंगे तो जो अमर महल पैलेस है इसे कन्वर्ट किया गया है म्यूज़ियम में. एंड अगर हम हरि निवास पैलेस देखेंगे तो इसे 1990 में कन्वर्ट किया गया था हेरिटेज होटल में. एंड अगर हम मुबारक मंडी पैलेस की बात करेंगे तो एक हेरिटेज साइट है एंड इसके इनसाइड वेरियस बिल्डिंग्स लोकेट है, लाइक दरबार हॉल है, हवा महल है, शीश महल है, पिंक हॉल है. एंड जो पिंक हॉल है उसी के इनसाइड डोगरा आर्ट म्यूज़ियम भी लोकेट है. नो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड अच्छे से हुआ होगा. एंड इफ समवन इज स्टिल फेसिंग एनी हार्डशिप देन ही आर शी कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन एंड देन मैं एफर्ट करूँगा कि इस इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जैन के जो टॉपिक है इस पर एक एलाबोरेटेड लेक्चर लेके आऊँ. चलो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन सेकेंड, विच अमंग द फॉलोइंग डेस्टिनेशन इज़ द बेस कैंप ऑफ द अमरनाथ यात्रा. देखो अमरनाथ केव आपकी लोकेट है अनंतनाग के पहलगाम में और जब अमरनाथ यात्रीज आते हैं तो उनका बेस कैंप क्या रहता है, सोनमर्ग, जो वहीं पे गांधरबल में लोकेट है. तो इसका राइट आंसर है सोनमर्ग. क्वेश्चन थर्ड, विच अमंग द फॉलोइंग फोर्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ ऑल्सो नोन एज ए कोही मारान. तो कोही मारान किसे कहा जाता है, तो आपके हारी पर्वत फोर्ट को जो श्रीनगर में लोकेट है. क्वेश्चन फोर, दनीदर फोर्ट हिस्टोरिकल मोनोमेंट बिल्ड बाय मुगल एम्पीरियर जहांगीर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो दनीदर फोर्ट कहां पे लोकेट है, राजौरी में, इसलिए इसको दनीदर फोर्ट का दूसरा नाम है राजौरी फोर्ट भी. और ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर जब PEE एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन. क्वेश्चन फाइव, विच वन ऑफ द मुगल गार्डन्स इन श्रीनगर इज़ बिल्ड बाई एम्पीरियर जहांगीर एंड इज़ वेल नोन फॉर इट इज़ चिन्नी खानाज. चिन्नी खानाज और आर्चर्ड नीचे इन पे, चिन्नी खानाज में हम क्या करते हैं, उनमें हम फ्लावर पॉट्स रखते हैं बिहाइंड गार्डन वाटरफॉल्स. तो जहांगीर ने कौन सा बनाया है मुगल गार्डन, तो इसका राइट आंसर है जहांगीर लास्ट में आ रहा है तो शालीमौर बाग को भी लास्ट में आ रहा है, इसलिए इसका नाम है शालीमौर बाग. तो और ये क्वेश्चन भी लास्ट एग्ज़ाम में आया हुआ था, JKSSB ने पूछा था FEE के एग्ज़ाम में. क्वेश्चन सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैग्निफिसेंट पैलेस सर्वड एज अ रॉयल रेजिडेंस ऑफ द रूलर्स ऑफ द डोगरा डायनास्टी अंटिल 1925 एंड इज़ वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन जम्मू. तो हमने अभी जस्ट अबाउट डिस्कस किया था कि 1925 तक जो रॉयल रेजिडेंस रही डोगरा रूलर्स की वो थी आपकी मुबारक मंडी. उसके बाद से जब महाराजा हरि सिंह जी आया तो उन्होंने हरि निवास पैलेस बनाया, फिर वहाँ पर शिफ्ट किया. एंड ये MCQ भी लास्ट ईयर JKSSB के FEE के एग्ज़ाम में आया हुआ था. सो दैट इज़ वाई मेरी एफर्ट रहते हैं कि जो भी MCQs लेके आऊँ वो JKSSB के पैटर्न को मैच करें. क्वेश्चन सेवन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ नो बिकम द सेकेंड प्लेस आफ्टर कनाडा
ऑफरिंग हेली सिकन। अब हेली सिकन क्या होता है? बेसिकली हेली सिकन में क्या होता है कि जो आपको जब सुनो मोटेन के टॉप पर आपको कौन ले जाता है, आपको हेलीकॉप्टर के थ्रू से सुनो मोटेन के टॉप पर लिया जाता है, फिर उसके बाद आप वहाँ से सिकनिंग करते हैं। अब जिसको पता नहीं सिकनिंग सपोर्ट्स क्या है तो आप यूट्यूब पर सर्च करना, वहाँ पर निकलेगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि आफ्टर कनाडा हैज़ बिकम द सेकंड प्लेस आफ्टर कनाडा ऑफरिंग हेली सिकन इन अ लार्ज स्केल एंड ऑल्सो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इज लोकेटेड हियर। तो किस जगह पे है ये आपके? गुलमर्ग में। तो इसका राइट आंसर है गुलमर्ग। क्वेश्चन 8, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज छोटा काशी एंड इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ देविका रिवर। देखो ये छोटा काशी है, छोटा कश्मीर नहीं है। तो छोटा काशी किसको कहते हैं? पुरमंडल जो सांबा में है, और जो छोटा कश्मीर या मिनी कश्मीर कहा जाता है भद्रवा को, और भद्रवा जो डोडा में है इसे हम नागों की भूमि भी कहते हैं। पुलवामा को कहते हैं राइस बाउल ऑफ कश्मीर या आनंद ऑफ कश्मीर। आनंद मतलब वहाँ पर बहुत सुकून, बहुत जॉय या बहुत डिलाइट फुल महसूस होता है इंसान को। सो पुलवामा कहते हैं आनंद ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं लखनपुर को, जो आपके कहाँ पे? कुछवा में लोकेट है। क्वेश्चन 10, विच अमंग द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस इज नॉट लोकेटेड इन अनंतनाग। वकरनाग, अनंतनाग में वेरी नाग भी अच्छा बल भी है। तो सोनमर्ग जो है ये आपके गांधरबल में लोकेट है। क्वेश्चन 11, विच प्लेस वॉज ऑरिजिनली नोन एज बेलगोन विलेज ऑफ बुल एंड इज अ हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन लिदर वैली बैंकस नाउ कॉल्ड विलेज ऑफ शेपर्ड्स एंड अ फेमस अमरनाथ केव इज लोकेटेड हियर। देखो एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, दैट्स वाई अगर जब कोई नया पॉइंट आपको यहाँ से मिलता है तो वो अपने नोट्स में आप ऐड किया करना। तो इसका राइट आंसर है पहलगाम। क्वेश्चन 12, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज मिडो ऑफ गोल्ड। देखो गोल्ड है तो यहाँ पे सोना है, सोना होता है गोल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा सोनमर्ग। और जो गुलमर्ग है, गुल होता है फ्लावर, तो गुलमर्ग को कहते हैं मिडो ऑफ फ्लावर। और जो श्रीनगर है, श्रीनगर को कहते हैं वीनस ऑफ ईस्ट। और जो वीनस है बेसिकली वो इटली की एक सिटी है जो लोकेट है वाटर के अराउंड ही, और हमारी श्रीनगर भी लोकेट है डल लेक एंड अदर लेक्स के अराउंड ही, दैट इज वाई श्रीनगर कहते हैं वीनस ऑफ ईस्ट। और जो आपकी परी महल है, परी महल को कहते हैं एडोबा फेरीज। क्वेश्चन 13, विच इज़ द लार्जेस्ट अमंग ऑल थ्री मुगल गार्डन्स लोकेटेड इन श्रीनगर नियर जबरवन हिल्स एंड इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ जॉय और डिलाइट बिल्ट इन 1633 बाई आसिफ खान एल्डर ब्रदर ऑफ नूरजहाँ। तो आसिफ खान ने कौन सा मुगल गार्डन बनाया? तो इसका राइट आंसर है निषाद बाग। और जो तीनों शालीमार बाग, चश्मे शाही और निषाद बाग है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? निषाद बाग ही सबसे बड़ा है। देन सेकेंड नंबर पर शालीमार बाग, सबसे छोटा है आपका चश्मे शाही। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द गिवन प्लेसेस आर लोकेटेड एट हरी पर्वत फोर्ट और दुरानी फोर्ट और कोही मारान। तो इसका राइट आंसर है, देखो शरी का टेम्पल भी हरी पर्वत फोर्ट पे है, मखदूम साहिब शरीन भी है, चट्टी पातशाही गुरुद्वारा भी है अवेलेबल। तो इसका राइट आंसर है ऑल। क्वेश्चन 15, विच अमंग द गिवन टूरिस्ट अट्रैक्शन इज नॉट लोकेटेड इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूध पथरी भी है, यूसमर्ग भी है, तोश मैदान भी है। तो इसका राइट आंसर है अहरबल वाटरफॉल्स, जो आपके लोकेट है कहाँ पे? कुलगाम में। क्वेश्चन 16, विच टेम्पल वॉज बिल्ट बाई ललित अतिद्या मुख्तापीडा लेटर वॉज डिस्ट्रॉयड बाई सुल्तान सिकंदर नाउ हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसका राइट आंसर है मारतंड सन या डेडक टेम्पल भी जिसे कहते हैं, जो आपका लोकेट है कहाँ पे? अनंतनाग में। खीर भवानी या रगनिया देवी टेम्पल आपका गांधरबल में है, शंकर आचार्य टेम्पल आपका श्रीनगर में है, और वंगत टेम्पल कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ पे? ये भी गांधरबल में है। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑनली डूमड मॉस्क इन श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर है हजरतबल जियारत। क्वेश्चन 18, विच इज़ अ मोटेन पास लोकेटेड इन पीर पंजाल रेंज कनेक्टस कश्मीर वैली टू पुंच एंड राजौरी थ्रू, यहाँ पे मुगल रोड होगा, थ्रू मुगल रोड एंड इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ मुगल रोड। तो इसका राइट आंसर है पीर की गली। गगरियन सवाजन एंड नूरी छम ये आपके लोकेट हैं पुंछ में, और जो दारा की गली है ये भी एक मोटेन पास है जो कनेक्ट करते हैं पुंच एंड राजौरी को। क्वेश्चन 19, द फोर्ट लोकेटेड ऑन अ हिल इन द विसिनिटी ऑफ राजौरी टाउन कंस्ट्रक्टेड बाई मुगल अम्पायर जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है दंदियार फोर्ट या राजौरी फोर्ट। क्वेश्चन 20, ओरिजिन ऑफ द नेम पटनी टॉप इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ द ओरिजिनल नेम ऑफ पटन द तालाब रिफर्स टू एज। देखो पटनी टॉप जो है वो किससे निकला है? पटन द तालाब से। एंड पटन द तालाब का मतलब क्या होता है? पौंड ऑफ द
princes. Question 21. Which palace was built by Raja Hari Singh as a separate extension of Amar Mahal so he could entertain his guests after 1925 rather than at the older Mubarak Mandi Palace? Now the dissidents turned it into Heritage Hotel in 1990. Yeh humne about discuss kiya tha, to iska right answer hai Hari Niwas Palace. नो दैट इज़ वाई कि जब कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता है ना तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आती. दैट इज़ वाई आप इन पॉइंट्स को अच्छे से अपने नोट्स में ऐड करना जो जो आपको नया नया पॉइंट दिखता है ताकि एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहे. क्वेश्चन 22. द हाइस्ट रोप वे इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस. तो इसका राइट आंसर है पटनी टॉप. एंड रोप वे हम जानते हैं कि रोप वे क्या होता है कि जब हम केबल्स जो होते हैं या वायरस जो होते हैं उनको बिछाते हैं देन गंडोला या केबल कार्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. नो ये आप इमेज में देख सकते हैं कि ये आपके केबल वायरस होते हैं एंड देन ये आपके गंडोला या केबल कार्स होते हैं तो इन्हीं के थ्रू से फिर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो हाइस्ट कहाँ पर बन रहा है? पटनी टॉप. एंड एनिमेशन या इमेज से क्या होता है कि जो चीज़ें या टर्म्स होते हैं ना वो लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में फीड हो जाती है. चलो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 23. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट बावी वाली माता मंदिर इज लोकेटेड एंड ऑल्सो जे के एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अनाउंसड टू लिंक दिस फोर्ट विथ मुबारक मंडी प्लेस विथ ए रोप वे. आई होप कि रोप वे अब आप कभी बोलोगे नहीं बिकॉज मैंने आपको अभी इमेज भी दिखाई थी इसकी. तो किससे कनेक्ट किसको रोप वे के थ्रू से कनेक्ट किया जा रहा है लिंक किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है बहू फोर्ट. और बहू फोर्ट में ही आपकी बावी वाली माता मंदिर लोकेट है. एंड ये सब कहाँ पे है? आपके जम्मू में लोकेट है. क्वेश्चन 24. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ केव टेम्पल लोकेट इन कटरा रियासी डिस्ट्रिक्ट एट त्रिकुटा हिल्स. तो इसका राइट आंसर है माता वैष्णो देवी टेम्पल. क्वेश्चन 25. विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर बिल्ड एन आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट हरी पर्वत एंड प्लानड अ न्यू कैपिटल कॉल्ड नगर टू बी बिल्ड विद इन द वॉल. तो किसने किया था ये प्लान और फोर्ट किसने बनाया था या ये नगर सिटी फिर उस पर लोकेट करने के लिए किसने सोचा था? इसका राइट आंसर है अकबर. क्वेश्चन 26. द अमर सिंह पैलेस बिल्ड बाय राजा अमर सिंह विच हैज़ नो बीन कन्वर्ट इन टू अ म्यूजियम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर. तो हमने रिवर्स में पढ़ा कि जम्मू जो सिटी है कहाँ पर लोकेट है और जो हमें पता है कि अमर सिंह पैलेस जो है ये कहाँ पर लोकेट है जम्मू में एंड जम्मू की रिवर पर लोकेट है आपकी तवी पे. तो इसका राइट आंसर है तवी रिवर. क्वेश्चन 27. विच प्लेस ऑफर्स सम ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ लाइक हॉर्स राइडिंग एंड हाइकिंग. तो किस प्लेस में की जाते हैं? तो ये आपकी अरू वैली है, अवीरा अरू वैली है जो आपकी लोकेट है अनंतनाग में. और हमें पता है कि अवीरा अरू जो है वो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे. क्वेश्चन 28. अपर्वत पीक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इज लोकेट इन. तो कहाँ पर अपर्वत पीक आपकी गुलमर्ग में लोकेट है. क्वेश्चन 29. विच अमंग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर पहाड़ी एंड कांगड़ा मैनीचर पेंटिंग्स एंड 120 kg गोल्डन थ्रोन. तो इसका राइट आंसर है तो कहाँ पे लोकेट है आपकी और जो अभी जिसको कन्वर्ट किया गया म्यूजियम में तो ये आपका है कहाँ पे? अमर महल पैलेस में. और हम मैनीचर जानते हैं बेसिकली दो होते हैं, एक होता है मुरालस एक होते हैं मैनीचर. मुरालस होते हैं वो पेंटिंग्स जो हम किसी वॉल वगैरह पे करते हैं उसे मुराल कहते हैं और मैनीचर पेंटिंग्स वो होते हैं जब हम किसी पेपर पे या किसी क्लॉथ वगैरह पे करते हैं तो उसे हम मैनीचर पेंटिंग्स कहते हैं. क्वेश्चन 30. निषाद गार्डन इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट मुगल गार्डन्स लोकेट ऑन द बैंक्स ऑफ. किसके बैंक्स पर लोकेट हैं सारे मुगल गार्डन्स? आपके डल लेक पे. एंड विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है. टेक योर गुड केयर. गुड बाय.